चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे मार्केट में बहुत सारे लोग बाहर आएंगे। अब ये तो आप जो बात करते हो वहाँ के नगर सेवक का बात कर रहे हो, और कॉरपोरेशन का कोई भी काम होता है तो उस पर दावा सबसे पहला करने का अधिकार नगर सेवक का होता है, क्योंकि फंड महानगर पालिका का होता है। अब इसमें विधायक जो होते हैं वो भी प्रयत्न करते रहते हैं, सांसद के नाते मैं प्रयत्न करते रहता हूँ, हम लोग सारे प्रयत्न करते रहते हैं। बजटरी फंड में से अगर हुआ तो निश्चित उसका क्रेडिट जितना मुझे मिलना है वो मिलता है, लेकिन अगर नगर सेवक फंड से हुआ, अगर प्रयत्न मैंने भी किया लेकिन फंड अगर नगर सेवक का लगा है तो उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। अब ये सारे पेपर पे है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि लोगों को पानी मिलना चाहिए, पानी कौन लाता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का हो गया, अब नगर पालिका का चुनाव आने वाला है। अब नगर पालिका के चुनाव में लोग तय करेंगे, लोग कभी एक मुद्दे पर तो वोट नहीं करते हैं ना, एक मुद्दे पर वोट नहीं करते हैं, अनेक मुद्दे होते हैं और अनेक मुद्दों को लेकर लोग मतदान करते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार एक चमत्कार मतदान मुंबई शहर में होगा, और ये पॉलिटिशियन लोगों को लगेगा कि लोगों को भी समझ में आता है और लोकशाही क्या है ये समझ में आ जाएगी सबको। सर, लोगों की ये भावना है कि जिस तरह से जो पानी की जो समस्या का निवारण कांग्रेस बैनर लगा के बता रही है, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे प्रेक्षकों को आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आपने पाठ पुरावा किया था पानी को लेकर? मैंने जितना भी पाठ पुरावा किया है समय समय पर उसको बोर्ड पर लगाकर महानगर पालिका का आया हुआ उत्तर वहाँ पर छापा है, मैंने लिखा वो नहीं। मेरे ऑफिस में तो लोग आते हैं, मेरा ऑफिस में टाइप करने वाला है वो तो लिखता है, वो तो है, लेकिन उसके बाद में ज्वाइंट मीटिंग लेकर कॉरपोरेशन हेड ऑफिस में जाकर हाइड्रोलिक इंजीनियर के साथ में मीटिंग करके उसके बारे में जब पैसा पास हो जाता है और वो काम करने के नज़दीक आ जाता है तो ये सारा बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम का काम अगर मलाड में होता है, मेरा सांसद निधि छोड़कर उसमें सारा मैंने अकेले ने किया, इस बात का दावा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। इसमें विधायक का भी हाथ होता है थोड़ा बहुत, नगर सेवक का हाथ होता है, और उससे बड़े पैमाने पे जो लोग होते हैं, एनजीओज होते हैं, उन सारे लोगों का भी हाथ होता है। अब आने वाले चुनाव में जिस जिसको चुनाव लड़ना है वो पहले दिन से ही पत्रव्यवहार करते रहता है, वो भी फॉलोअप करते रहता है, और चुनाव में फिर वो इतना बड़ा गट्टा लेकर लोगों को जाकर बताएगा देखो मैंने भी किया है करके। अब लोगों ने सभी बातों को देख कर वोट करना होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कौन से पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। जैसे देश में मोदी जी ने कहा कि हमको सत्ता दे दो हम काया पलट करेंगे, तो देश के लोगों ने वोट दे दिया, 6 साल में काया पलट हो गया, नहीं होने वाले 10 काम हो गए। अब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी हम यही कहने वाले हैं कि आपने शिवसेना को इतने साल मौका दिया है, कौन अच्छा है कौन बुरा है उसको बाद में रखिए, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर देखो, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह से केंद्र में मोदी जी काम करते हैं उसी तरह से मुंबई शहर में भी हम काम करके मुंबई शहर का काया पलट करके दिखाएंगे। ये थे गोपाल शेट्टी जी, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से पानी के मुद्दों को लेकर जिस तरह से राजनीति करने वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सबक सिखाने का गोपाल शेट्टी का कहना था। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सुराड़कर, बिग न्यूज़ हिंदी, मुंबई।